चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड से ही है। आपको बता दें कि देहरादून में बीजेपी प्रत्याशियों की जल्द ही घोषणा हो सकती है। बीजेपी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में मंथन किया गया। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नेताओं से फीडबैक लेगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए फिर रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, लगातार हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर कई बैठकें पहले भी हुई हैं और अब बीजेपी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में जो मंथन हुआ है, केंद्रीय नेतृत्व नेताओं से फीडबैक लेंगे, और क्या लगता है क्या इस बार किसी के टिकट करने की जो चर्चाएं हैं वो भी शुरू है? देखिए, उत्तराखंड बीजेपी में भी लगातार मंथन हुआ है इसको लेकर के, और चूंकि नामों का जो पैनल है वो काफी, उसमें नाम है और 55 ऐसे नाम हैं जिन नेताओं ने दावेदारी की है। तो अब प्रदेश संगठन ने अपने नामों का जो पैनल तैयार किया है, इसमें केंद्रीय मार्गदर्शन अब उत्तराखंड बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो निश्चित तौर पर लेगा और एक एक नाम पर गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके की संभावना जताई जा रही है कि जब आचार संहिता लागू होगी तो पहले चरण में उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव जो है वो हो सकते हैं। तो ऐसे में उसी रफ्तार से बीजेपी का संगठन, प्रदेश के नेता और केंद्र नेता आपस में ये रणनीति के तहत जो है, जो दावेदार हैं उनके नामों में से जो 5 दावेदार हैं उनका चयन करने की कवायद में जुटे हुए हैं। अब जब पार्टी हाईकमान के सम्मुख उत्तराखंड के तमाम दावेदारों के नामों पर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर फाइनलाइज हो जाएगा और जल्द ही जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा हो जाएगी। तो अब देखना होगा कि केंद्रीय मंथन के बाद जो उत्तराखंड बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री हैं, ये जो रणनीतिकार हैं पार्टी के प्रदेश स्तर के, आखिर ये किन नामों पर फाइनल कर घोषणा करते हैं और केंद्र जो है वो आखिर किन नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी कि केंद्र किन नामों को लेकर स्वीकृति प्रदान करता है, लेकिन उससे पहले ये जानना दिलचस्प है क्योंकि जिस तरह से हमने देखा विधानसभा चुनाव के दौरान, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, हर राज्य में कहीं ना कहीं जो फॉर्मूले हैं उसमें बदलाव किया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और ऐसे में जब वो फॉर्मूला लागू करते हैं तो जीत निश्चित ही होती है। ऐसे में क्या लगता है उत्तराखंड के लिए किस फॉर्मूले पर बीजेपी काम कर रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो जिन नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है वो नाम जो है हम कह सकते हैं कि चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टी की इच्छाओं के अनुरूप परिणाम लाने में सफल होते हैं। अगर पिछले हम 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो पार्टी हाईकमान ने जिन नेताओं पर चुनावी दांव खेला है, जिन नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है, उन्होंने 100% अपना जो है परिणाम दिया है और यही वजह रही है कि बीजेपी जो है वो दूसरी बार 5 सीटों पर अपना दबदबा कायम करने में सफल हुई है। ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरह के संतुलन साधते हुए पार्टी हाईकमान जो है किन नामों पर माहौल लगाता है, क्योंकि कई ऐसे नेता जिनका अपना जनाधार है, कई ऐसे नेता है जिनका अपना सियासी अनुभव है, कई ऐसे नेता जो क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर पूरी तरह से खड़े उतरते हैं, और कई ऐसे नेता है जिनकी अपनी मतदाताओं में एक पहुंच है। तो मुद्दों के साथ साथ ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो प्रत्याशियों से जुड़े हुए हैं, प्रत्याशियों के चयन से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि पार्टी हाईकमान आखिर किन किन नाम पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि पार्टी आखिर किन नामों पर स्वीकृति करता है, क्योंकि सीएम धामी पहले ही ऐलान कर चुके हैं, ये कह चुके हैं कि 5 सीटों पर बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर बीजेपी जो है वो जीत हासिल करने वाली है लोकसभा सीटों के लिए। और ये भी वो कहते नजर आए थे कि सीटों के लिए जो पैनल में नाम तैयार किए गए थे वो पार्टी आलाकमान को भेज दिए गए हैं और अब यही उम्मीद की जा रही है कि मंथन के बाद, विचार करने के बाद जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का जो ऐलान है वो उत्तराखंड में किया जा सकता है।